नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली के विश्लेषण में फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहां देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग या शॉर्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में ये व्यक्ति को फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर देता है। आप जैसे जातक समय परिस्थिति के अनुसार बड़ी सरलता से ढल पाने में सक्षम होते हैं। जिस चीज़ में ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है वहाँ पर एडजस्ट करने के कारण ही आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा, जहाँ जहाँ आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग हो जाएंगे। कारण यह है कि फिंगर की लेंथ जब नॉर्मल होती है तो ये फ्लेक्सिबल नेचर तो दे रही है, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हुआ यह है कि आपकी पहले कोई भी भाग्य रेखा जागृत थी ही नहीं। जब भाग्य रेखा जागृत नहीं होती है तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि करियर नहीं था या पैसा नहीं था। पैसा वगैरह सब कुछ था, लेकिन एक सिस्टमेटिकली ग्रोथ नहीं था। जैसे पैसा आना लेकिन रुक नहीं पाना, जिस तरीके से पैसा आया है वैसे ही चल जाना, स्टेबिलिटी करियर में नहीं आ पाना, विज़न क्लियर नहीं हो पाना और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा भटकाव जीवन में देखने को मिलना। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में पहले रही है, यानी ये सब बात हम कर रहे हैं तकरीबन 34-35 साल के पहले की। लेकिन उसके बाद में आपकी जो व्यापार की रेखा है या जो आपकी भाग्य की रेखा है, ये बहुत मजबूत स्थिति में आगे बढ़ गई है। तो ये इस बात को दर्शा रही है कि आपके व्यापार व काम में तरक्की के साथ साथ धनार्जन के योग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल होने के कारण सही समय पर या समय परिस्थिति के अनुसार जो आप निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन करेंगे या जो अपॉर्चुनिटी देखकर उसे इमीडिएटली ग्रैब करेंगे, उसमें आपको इमीडिएट सक्सेस देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल, जब थर्ड एंड सेकेंड फिंगर के बीच गैप होता है तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस देता है। आप जैसे जातक किसी बंधन में बंद करके रहना, किसी परिस्थिति में ही बंद करके रहना पसंद नहीं करते। अपने अनुसार परिस्थिति बनाएंगे या जो भी परिस्थिति आपको ठीक लगेगी इमीडिएटली उसमें स्विफ्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में ये ओपन माइंडेड और इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुँचने के कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। तो बिजनेस में ग्रोथ और शेयर मार्केट में भी ग्रोथ के चांसेस आपके बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस सेंस लक के साथ में मार्केट सेंस नॉलेज भी बहुत अच्छा देता है। और जब मरकरी की फिंगर अच्छी हो तो अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कह पाना, अपने निर्णय को सही साबित कर पाना और सूझबूझ के साथ किए गए काम से अंततः यह सफलता देता है। तो इस कंडीशन में ट्रेडिंग में और किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस में ग्रोथ के पूरे चांसेस यह दे रहा है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा आपका। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगी, जिसके कारण हमेशा अपने काम में माइनर अपग्रेडेशन आप करते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत जल्दी आप जैसे जातक एक तौर तरीके के काम से बोर हो जाते हैं, इसलिए थोड़े बहुत माइनर चेंजेस या अपग्रेडेशन हमेशा अपने काम में करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि उससे रस मिलता है। रस का तात्पर्य यह होता है कि एक इन्जॉयमेंट आता है, एक इंटरेस्ट आता है। तो इस कंडीशन में आपके मल्टीपल वर्क या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग लाइफ में आगे देखने को मिलेगी। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव व्यक्ति को बहुत आध्यात्मिक या धार्मिक रुचि देता है। ये जो ओकल्ट साइंस या रहस्य विद्याएं हैं, इन सब में विश्वास बहुत बढ़ता है और आप जैसे जातक धार्मिक, आध्यात्मिक और दयालु किस्म के देखने को मिलते हैं। वहीं लिटिल फिंगर का झुकाव जब बाकी फिंगर की तरफ हो तो ये व्यक्ति को फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो उस कारण से कभी भी अपने फैमिली के रिगार्डिंग कोई भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी मौजूद हो रही है, जो फ्रेंडली टाइप का नेचर देती है। इस कंडीशन में जैसे समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, वैसे ही अनेक अलग अलग तरह के लोगों के साथ या समूह के साथ अच्छे संबंध कायम कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स हैं आपके, वो यहाँ डेवलप ठीक ठाक होने लग रहे हैं, जो आपके अंदर स्पष्टवादिता लेकर के आएगा, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी आपके व्यक्तित्व में हो जाने वाला रहेगा। लेकिन इस तरीके का गैप किसी के अंडर में काम करने नहीं देता, खर्चों पर नियंत्रण होने नहीं देता, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमेशा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि पैसे का भी उपयोग हो, और इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए या अपने अंडर में दूसरों को काम कराना चाहिए, जिससे आपके करियर स्टेबिलिटी देखने को मिले। फैलेंजेस और आपका इंटरनल मास की स्ट्रेंथ अच्छी होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता ही अच्छी देता है, स्टेमिना एनर्जी को भी ये डेवलप करता है। और जो थंब का साइज़ है यहाँ पर, ये कुल मिलाकर के नॉर्मल है। तो इस कंडीशन में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी देखने को मिलती है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन अगेन फ्लेक्सिबल माइंडसेट भी देता है, और फ्लेक्सिबिलिटी आप जितना लाइफ में लेकर के आएंगे अपने थॉट में, एक्शन में, उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ या सडन गेंस देखने को लाइफ में मिल जाएगा। जब भी सेकंड फिलेंस पर आड़ी रेखाएं ज़्यादा होती है तो लड़ाई, झगड़ा, बहसबाजी या दूसरों के मसलों में कम पड़ना चाहिए।
इन सब चीज़ों से नुकसान ज़्यादा देखने को मिलता है या ऊर्जाओं का नाश होता है। यह का चिन्ह आपको मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों बहुत अच्छी देने वाला है और फर्स्ट फिलिंग पर थोड़ी आड़ी रेखा चिंतात्मक स्वभाव देती है, लेकिन आपका माइंड लाइन बहुत अच्छी कंडीशन में जा रहा है जिसके कारण ये चिंताएं रेखा जीवन में ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण हाइपरटेंशन वरीज ये सारी चीज़ें आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर होने के कारण और थोड़ा सा फैला हुआ है तो स्क्वेरिश हैंड में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो मिक्स टाइप का हैंड है ये, जिसके कारण आप मानसिक या शारीरिक किसी भी तरह का पराक्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। चंद्र का क्षेत्र विकसित अच्छा है, जिसके कारण हमेशा नई नई तरह की सोच। मंगल अच्छा होने के कारण मानसिक रूप से मजबूत। बुध की स्थिति अच्छी होने के कारण व्यापार या अनेक माध्यम से धनार्जन लाभ कमाने के योग आपके जीवन में परमानेंट देखने को मिलेगा। गुरु की स्थिति से हम बात करेंगे तो गुरु के क्षेत्र पर एक बहुत प्रोमिनेंट आड़ी रेखा आप देखेंगे। इस तरह की आड़ी रेखाएं एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा देती है, लेकिन ये आड़ी रेखाएं उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिनके ऊपर ईश्वरीय कृपा अच्छी होती है या जो ईश्वर के निकटतम इंसान होते हैं। होता इसमें यह है कि आप जैसे जातकों का समय के साथ साथ जो बिलीफ सिस्टम है वो स्पिरिचुअलिटी या अदृश्य शक्तियों के प्रति बढ़ जाता है। इसी के अतिरिक्त दान धर्म पूजा पाठ और सात्विक कार्य बढ़ना शुरू होता है, जिससे पुण्य बढ़ना शुरू होता है, जिसके तहत बच्चों से बहुत ज़्यादा लाभ या बच्चे भाग्यशाली निकलते हैं। मैरिड एंड फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी फाइनेंशियली देख ले, मेंटली या हेल्थ वाइज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सोसाइटी में स्टेटस और बहुत बड़े स्तर तक पहुँचने की युति यह कॉम्बिनेशन देता है। अब यहाँ पर जुपिटर पे इतना अच्छा साइन आया है और अब इसके जस्ट बाद में आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल हो रही है जो कि इंडिपेंडेंट है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन अपने लिए एम्बिशियस कभी नहीं बनाती, अपने परिवार या दूसरे लोगों के लिए एम्बिशियस बनाती है, जिसके तहत आप बहुत सारे लोगों की इच्छा पूरी करने में उनकी मदद करेंगे या एक सोर्स मीडियम बनेंगे उनके डिज़ायर एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। जिनकी खुद की इच्छाएं कम लेकिन दूसरों के लिए ज़्यादा होती है तो ऐसी रेखाएँ आ जाती है, और परमात्मा भी ऐसी योग्यता देता है आप जैसे जातकों को कि आप दूसरों का लालन पोषण कर सकें। तो इसीलिए आप आगे चल करके बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे सकेंगे, उसके भी सिग्निफिकेंस आपके पाम में आ रहे हैं। लेकिन एक मेन बात आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी हथेली में राहु लाइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और ये सैटर्न के ऊपर क्रॉस के साइन के कारण है। राहु लाइन एक्चुअल में बहुत सारे व्यक्ति को इल्यूजन्स देती है। जब उन इल्यूजन में हम फंसते हैं यानी भ्रमित होते हैं तो जो हमने सोचा वह होता है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है लाइफ में, और उसी कारण से हमें मानसिक चिंता या जीवन में बहुत सारे कामों में रुकावट आते देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे नियत के अनुसार हो नहीं पाता है वो काम। शनि के ऊपर जब भी क्रॉस होता है तो निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज वे में या बहुत सूझबूझ के सबसे पूछ करके काम करने जाएंगे आपको वो काम नहीं बनेगा कभी भी, क्योंकि सैटर्न का क्रॉस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप पहले से ही प्री प्लान मत करिए, पहले से ही परफेक्शन या रिजल्ट ओरिएंटेड मत होइए। आप कंटिन्यूस वर्क करते जाइए, परफेक्शन, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लक या इनकम ये सैटर्न अपने आप देंगे, लेकिन निष्काम कर्म पर ज़्यादा ध्यान देना है। आपने कभी ये चीज़ सोची है कि आपको क्यों एकदम अध्यात्म के प्रति इतना ध्यान बढ़ रहा है? क्योंकि सैटर्न पे जब भी क्रॉस होता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप कर देता है, तो इसी कारण से मन दुनियादारी के सभी तरह के चीज़ों से उठ आध्यात्मिक या धार्मिक चीज़ों में लगना शुरू होता है, क्योंकि आपको हर चीज़ों में अंततः निरस्ता आ गई है। जैसे आपके हथेली में शुक्र डेवलप अच्छे हैं, स्टार्टिंग में कोई लकलाइन नहीं है, तो ये इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरुआत से ही लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी रही है। आपने हर तरह के जीवन में स्थितियां देखी हैं, बहुत ऊपर तो बहुत नीचे भी, अपनी ही कमियों के कारण नीचे भी गए हैं और अपनी ही इच्छाओं के कारण ऊपर भी गए हैं। हर तरह के संगत में लेके रह करके देख लिया, जिसमें दुनिया को रस मिलता है वो सब कुछ करके आपने तकरीबन देख चुके हैं, पर क्यों नहीं उसमें आपको परमानेंट रस मिल पाया या सुकून मिल पाया? तो वो इसीलिए, क्योंकि सैटर्न पहले भटकाव जरूर देते हैं लेकिन अंततः फिर इतना व्यक्ति को वर्कोहोलिक बना देते हैं या निष्काम कर्म पे ले आते हैं कि ऐसे जातक कब जीवन में बहुत ऊपर उठ गए या कब बहुत ज़्यादा उद्धार कर रहे हैं लोगों का पता नहीं चलता है। इसी राहु एलिमेंट से आपको दूर रहना है, भ्रम से, गलत संगत आदत, लोगों से, ऊंची बातों से, जितना हो सके लाइफ में कूल काम रहिए, डिज़ायर एम्बिशन गोल को रिवील मत करिए, हवाबाजी में कभी भी ना फंसें और कंटिन्यूस एफर्ट किसी भी विषय में आप डालिए, आपका लक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए सैटर्न पे और जुपिटर पे हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आते दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न के ऊपर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है आपका लक लाइन का सैटर्न से कनेक्ट करना,
इस कंडीशन में सारे के सारे तरह के डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने शुरू होते हैं, क्योंकि सैटर्न एंड रिजल्ट है हथेली में। तो यहाँ पर हम देख सकेंगे, इसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर क्लोजली आप देख सकेंगे कि आपकी जो लक लाइन है वो पहले पूरी धुंधली थी, लेकिन करेक्टली 34 और 5 के बाद से हल्की हल्की डेवलप हुई। फिर इसका प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको अराउंड 37 के एज से आना शुरू हुआ। अभी जैसे आपकी 42 की एज है, तो ये लक लाइन आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, और इस लक लाइन में आप देखेंगे कि स्लाइटली चेंजेस होने के साथ में ये सैटर्न को कनेक्ट कर रही है। फिर सैटर्न माउंट के ऊपर हल्की हल्की रेखाएं आप ऊपर से नीचे आते हुए भी देखेंगे, जिसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, जो टेम्प्रेरी बेस अपॉर्चुनिटी देती है। इसके पहले यहाँ पर मणिबंध से आपकी लक लाइन निकली, लेकिन ये पूरी की पूरी धुंधली रही, जिसके कारण ये इंडिकेट करता है कि फैमिली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग था, फैमिली के काम में ही इंगेज होने के चांसेस अच्छे थे, लेकिन वहाँ ध्यान नहीं गया या कर्म नहीं हो पाया या वहाँ लक सपोर्टिव नहीं था, तो उस कारण से आपने खुद के इनिशिएशन से वर्क करना या जिम्मेदारी से या अपने अनुसार काम करना शुरू किया। तो यही 37 के आसपास से आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप होना शुरू हो गई, जो बिजनेस में बिजनेस लक ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करने की टेंडेंसी, अपने कॉम्पिटिटर को लूज़ करना या नए इनिशिएशंस लेना और कंटिन्यूस वर्क में ग्रोथ हो पाना। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि माइंड लाइन से भी एक रेखा आ रही है जो कुछ समय के बाद में ट्रायंगल का प्रोमिनेंटली कॉम्बिनेशन बना देगी। जो लोग मल्टी मिलियनेयर या बिलियनेयर होते हैं, जो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा मार्केट को कैप्चर कर पाते हैं, कॉम्पिटिशन को लूज़ कर पाते हैं और बहुत बड़े स्तर तक अपने काम को ले जा पाते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, उनके हाथ में ये ट्रायंगल बनता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बात राहु के बताई गई उसमें आप देखिए हल्की हल्की सी इधर उधर से रेखाएं आकर के इसको टच कर ही रही है और थोड़ा धुंधलापन भी आ रहा है। इसको ठीक रखने के लिए निष्काम कर्म, भ्रम से दूर, कंसिस्टेंसी पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको ज़्यादा जीना है। प्रेजेंट आप जितना अच्छा करते जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट सैटर्न ही है, तो प्रेजेंट को जब आप निचोड़ लेंगे तो आपका भविष्य ऑटोमेटिकली बहुत फार बेटर होता चला जाएगा। और ये जो सैटर्न पर आड़ी रेखा देख रहे हैं आप, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, जो व्यक्ति को इमोशनल या सेंसिटिव भी बनाती है। अदरवाइज आपका पूरा कंसर्न तो धन के विषय में ही चल जाता, क्योंकि जब इस तरह की हार्ट लाइन होती है तो ये व्यक्ति को मनी माइंडेड, सेल्फ ओरिएंटेड और प्लेजर लवर बनाती है। अब जब सपोर्टिव हार्ट लाइन आती है तो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करते, सिर्फ प्लेजर फुलफिलमेंट में मनी पे ही कंसर्न नहीं रहता, दूसरों के उद्धार या दूसरों के भाग्य या काम मजबूत करने पर भी ध्यान जाता है। तो ये थोड़ा मूडी टाइप का नेचर देता है, लेकिन इस कंडीशन में दूसरों का बहुत काम कर पाने में, उद्धार कर पाने में सक्षम होते हैं। सैटर्न माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है, तो मटेरियलिज्म से उठ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान एकत्रित होना शुरू होगा। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब मल्टीपल लाइंस नीचे की ओर से होती है, इसका तात्पर्य होता है कि आपने तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमाया, हर तरह का काम थोड़े थोड़े लेवल पे आपने किया है, और उसी कारण से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी रही है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट लाइफ में रहा है, रिजल्ट किसी भी चीज़ में प्रोमिनेंटली सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पाया, किसी भी काम के द्वारा नेम फेम नहीं मिल पाया। अभी भी ये लाइन स्ट्रांग हो सकती है अगर आप अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी, फोकस, इन सारी चीज़ों को इंक्रीज कर दें। तो ये जो जितनी सारी रेखाएं नीचे की तरफ है, जो मन के भटकाव को, बेफिजूल की भागा दौड़ी को, फोकस की कमी को, विज़न की कमी को और बहुत अधिक खर्चे अलग अलग माध्यम से होने के योगों को दर्शा रहा है, ये सब यहीं के यहीं स्थगित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद किसी भी एक चीज़ के माध्यम से नेम, फेम, सक्सेस और गुडविल, ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएट हो सकेगी। बुध के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस का आना मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देता है। जब भी बुध का क्षेत्र विकसित होता है तो ऐसे जातक हसमुख पाए जाते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति हो, तकलीफ परेशानी हो, लेकिन चेहरे से स्माइल जाती नहीं है, और जिस भी माहौल, संगति, लोगों के अतिरिक्त आप जाएंगे, उनको भी खुश या एंटरटेन या फ्री फील करा पाने में सक्षम रहेंगे। ऐसा बुध शेयर मार्केट में इसलिए ज़्यादा लाभ देता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करता है, तो हर चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा यह देता है। अब इन्फॉर्मेशन आपने गेन किया है, मार्केट के रिगार्डिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस गेन किया है, उसको मार्केट में ही अगर यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली शेयर्स में बहुत फ़ायदा देखने को, या पैसा इसके माध्यम से भी अच्छा देखने को मिलता है। और इंडिपेंडेंट अगर कोई बिजनेस वर्क करेंगे तो अपने कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी के बिहाव पर आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, रिपीटेटिव कस्टमर ज़्यादा होने लगेंगे और वही कस्टमर से पर्सनल स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप होने लगेंगे। हृदयरेखा के अंत में जब गोंपूज की आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है। हार्ट लाइन में छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन बनने शुरू हो रहे हैं,
तो इस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल इमीडिएट हाई होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ये ब्लड जो प्रेशर होता है उसको कम ज़्यादा किन्हीं किन्हीं कारणों से करता है, लेकिन ये मेनली इशू हार्ट के रिगार्डिंग ही रिप्रेजेंट करता है। अभी कुछ भी इशू कन्फर्म नहीं है आपके पाम में, क्योंकि ये लाइन अभी बन रहे हैं, तो आप अपनी आदत, खान पान, संगत, इन सारी चीज़ों पर काम करिए और वह सभी चीज़ों का त्याग करिए जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल या हार्ट बीपी जैसे इश्यूज़ को बढ़ाए। बस इतना यहाँ ध्यान रखना है। इसके बाद में इमोशनल सेटबैक या इमोशनल हर्ट होने के जो योग आपके जीवन में रहे थे, एक तो 36 के आसपास, 38 and 9, 43 में भी है और एक अराउंड 45 में भी है। इन एजेस में पैसा किसी को देने से या किसी पर अंधविश्वास करने से बचना चाहिए, धोखा मिलता है नहीं तो। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति हो या फिर इस तरीके से त्रिशूल की आकृति हो, तो ये कॉम्बिनेशन शिव जी को आपके आराध्य देव के रूप में दर्शाता है और साक्षात भोले बाबा की कृपा आप जैसे जातकों पर होती है। इसलिए शिव जी की आराधना करना आप जैसे जातकों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ, फलदायी और आनंदमय साबित होने लगता है। आपका नेचर थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी का रहेगा, बहुत डार्क और डीप सीक्रेट आप रिवील ही नहीं करेंगे या लोगों को पता ही नहीं रहेगा। आप फ्रंट में जो शो करेंगे अंदर से कुछ और देखने को मिलेंगे। ये बात ज़रूर है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है, आप बहुत दूर का सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा आप रियलिटी से वाकिफ होते जाएंगे या डाउन टू अर्थ होते जाएंगे, उतना अच्छा ये त्रिशूल का चिन्ह आपको रिजल्ट देगा। इस त्रिशूल के चिन्ह में होगा ये कि आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, अपना फ़ायदा भी आप निकाल सकेंगे, मल्टीपल इमोशंस को मैनेज भी कर सकेंगे, मूडी टाइप का नेचर आपका मेंटेन होने लगेगा, चिंतन मनन, नेगेटिविटी जैसी चीज़ें हटने लगेगी। जब भी माइंड और लाइफ लाइन में इस तरह के आइलैंड के साइन आ जाते हैं, वो समय ज़्यादा स्ट्रगलिंग होता है। जब माइंड और लाइफ लाइन ज़्यादा समय तक जुड़ करके चल जाए तो फैमिली पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है, उनसे पूछ के ही काम करते हैं, इंडिपेंडेंट जल्दी नहीं हो पाते लाइफ में। अराउंड 23-24 तक आप डिपेंडेंट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और इसके बीच में एम्बिशंस लाइन डेवलप हुई है आपकी। लाइफ लाइन आपकी जो डेवलप हुई है वो अराउंड 24 में ही हुई है और उसके बाद जाके लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकते झुकते फिर शुक्र की तरफ आ गई, जिसका तात्पर्य होता है कि बर्थ प्लेस से दूर जा कर के रसने बसने के योग तो बनते हैं लेकिन वापस अपने होम टाउन पर आ जाते हैं। ये रेखा आपको ट्रैवलिंग, देश विदेश की यात्राएँ सब कुछ देगी अच्छी खासी। आपके माइंड लाइन या लाइफ लाइन के ऊपर जब जब ये स्ट्रगल लाइन कटी है तब तब स्ट्रेस स्ट्रगल इसने दिया है। माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली मेंटल प्रेशर 24-5 में 34-36 के एज में ज़्यादा है। हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली के रिगार्डिंग 27, अगेन 33 and 4 और 36, ये मेजर लाइफ में डिस्टर्बिंग पीरियड रहा है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन हमेशा एक्टिव रही, जो अराउंड 26 के एज में एक्टिव हो गई थी, तो इस पीरियड से अपने या दूसरे लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलने लगा, जिससे आपकी वरीज, टेंशन, ये सारी सिचुएशंस में उनके सपोर्ट से आप निकल सके। माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है तो इस कंडीशन में पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातें अच्छे से याद रहती है, बुद्धिमान, विवेकवान, गुड मेमोरी और ग्रेसिपिंग स्किल यानी सीखने समझने की योग्यता ये अच्छी देता है। अब तो आप एक चीज़ पर ही ध्यान रखिए कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आए बिल्कुल स्किप मत करिए। मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखिए, अप टू डेट रहिए, जो भी चेंजेस करने किसी भी विषय में इमीडिएट करिए, क्योंकि ट्रायंगल का साइन अगर बनाना है तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल और अप टू डेट अपने आप को रखना ज़रूरी है। मर्करी लाइन बिजनेस लक होता है, माइंड लाइन आपका डिसीजन होता है, ट्रायंगल का साइन सिक्योरिटी होता है। तो यानी जो आप बिजनेस में डिसीजन लेंगे वो सिक्योरिटी आपको देगा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और ब्रांडिंग या गुडविल वाइज। इसीलिए इस कंडीशन में मल्टी मिलियनर ऐसे जातक बनते हैं। तो माइंड लाइन में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन है वो 35 तक है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं इधर इन्वॉल्व हो रही हैं जो कन्फ्यूज़न, डाउट्स और बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी, रेस्टलेसनेस का इशू दे रही है। इसके बाद से स्थिति आपकी सही हुई है तो अब तो और ज़्यादा मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपको लाइफ में आएगी। इसके बाद में अपने एफर्ट्स से सक्सेस अराउंड आपको 29, 30, 33 और राहु लाइन के कारण सडन गेन प्रोग्रेस के योगों को ये दर्शा रहा है। 38 के आसपास में किन्हीं नए लोगों का जुड़ना और बिछड़ना, ये दोनों चीज़ देखने को मिला है। इसके बाद में आपका शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं थोड़ा बहुत प्लेजर फुलफिलमेंट में डिफ़िकल्टीज देने के कारण पर्सनल या मेरिड लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनवांटेड स्ट्रेस, प्रेशर दे सकती है, लेकिन शुक्र माउंट डेवलप अच्छा है तो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख या रईसी, लग्जरीज आपकी लाइफ में बहुत अच्छी रहने वाली है।
रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहेगी, यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आएगी, कला प्रेमी साहित्य प्रेमी रहेंगे, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, अपने शौक से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आप किए हैं ना कभी करेंगे, और इसी कारण से आपका हाइजीन लेवल हो गया या आपका घर हो गया या आपका कोई भी चीज़ हो गया उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी शुक्र, क्योंकि यूनिक चॉइसेस ये देता है। और उस ये शौक भी देखने को मिलता है जिसमें कि घड़ियों का, जूतों का, कपड़ों का सेट अलग ही देखने को मिलता है वैरायटी में। तो ये सब शौक जो है ये शुक्र देगा, इसीलिए आपका लाइफ बहुत ज़्यादा लग्जरियस अभी होने वाला है और आपका लक जो है 44 के एज से तो बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है। और इसके बाद देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो भी स्ट्रॉन्ग हो रखा है, बाय 4 का साइन ट्रैवलिंग अच्छी खासी देने वाला है लाइफ में। मंगल का स्ट्रेंथ, शुक्र का स्ट्रेंथ अच्छा होता है तो वैसे भी मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। जब भी यहाँ पर मल्टीपल्स मणिबंध रेखा होती है तो उस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़िम्मेदार बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे आपने ज़िम्मेदारी अच्छे से संभाली और भी आगे संभालेंगे। अगर ये 4 मणिबंध रेखा मजबूत होगी आपके हथेली में और आपके पार्टनर के भी हैंड में तो फर्स्ट चाइल्ड बेबी गर्ल होती है। और यहाँ मनी ट्रायंगल ओपन है पूरा का पूरा, तो जीवन में पैसा कभी नहीं रुकने वाला आपके पास, इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट्स पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। और जो छोटी छोटी लाइन्स इधर बनती दिखाई दे रही है ये सब आपके प्रॉपर्टी लेने के योग या प्रॉपर्टी डेवलप करने के योगों को मजबूत करेगी, आपकी मानसिकता उधर पे जाने लगेगी या आप उधर इनिशिएशन लेंगे आने वाले 2 साल में। इसीलिए 44 के एज में कंस्ट्रक्शन होने के योग या प्रॉपर्टी लेने के योग, डेवलपमेंट के योग भी आपके पाँव में बहुत अच्छे हैं। 2 बातें और ध्यान रखें, ट्रायंगल का साइन यहाँ अगर मजबूत होता है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट काम फैलेगा, और ये रेखा अगर मजबूत होती है तो अपने कॉन्टैक्ट रिलेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसलिए सबसे बना के रखना, जोड़ करके रहना ज़रूरी है। और सूर्य की रेखा मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके नेम, फेम, गुडविल, सक्सेस जैसी चीज़ें बढ़ सकेगी आपके जीवन में। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लगातार वरीज लाइन दिखाई दे रही है जो लगातार जीवन में रुकावट, उठा पटक, बहुत उतार चढ़ाव देती है, लेकिन लेफ्ट हैंड के कंपेरिजन में आपकी राइट हैंड की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो आपने अपने लाइफ को फार बेटर किया है। शुक्र से जब भी मरकरी लाइन निकलती है तो फैमिली बिजनेस या फैमिली के द्वारा प्रॉपर्टीज़ मिलने के चांसेस या स्पाउस के द्वारा लक इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ा देता है। और इधर पर लक लाइन आपकी डायरेक्ट गई है और सैटर्न से भी कनेक्ट हो रही है, सैटर्न की लाइन भी आ रही है, तो बहुत अच्छा पैसा कमाना, लगातार सफलता मिलना और सुकून, शांति, संपन्नता, ये सब आपकी लाइफ में 44 के एज से और इस साल जो भी आपने इनिशिएशन लिया है उन सब के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ आपको 2 साल के अतिरिक्त मिल सकेगा। सूर्य की रेखा है दोनों हथेली में आधी अधूरी ही है तो बार बार डिस्ट्रैक्शन या फोकस जैसी चीज़ों में कमी ये देगा, इसीलिए आप बहुत सारे प्लानिंग करिए, योजना बनाइए, बहुत सारे डिज़ायर ड्रीम रखिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उसको करिए, कभी भी मल्टीपल टास्क एक समय पर करने से बचें और प्रायोरिटी बेस्ड वर्क करना यहाँ ज़रूरी है। बाकी अगर आपको कुछ करना ही है रेमेडी तो शिव जी की आराधना करिए, वही आपको बल, बुद्धि, विद्या, मार्गदर्शन और लगातार ऐसी योग्यता देंगे जिसके कर्म के द्वारा आपको सुकून, शांति, संपन्नता आ सके। कोई कमी परेशानी नहीं है, बहुत लग्जीरियस, फ्रूटफुल आपकी लाइफ आगे हो चल करके होने वाली रहेगी, बहुत शांतिनुमा, सुकूनमय जीवन शैली आपका देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत वरीज आपको आ सकती तो अपने ही ओवर थिंकिंग के कारण या बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर, फैमिली रिलेशन को लेकर जजमेंटल होने के कारण, बाकी और कोई तकलीफ परेशानी आपके पाम में नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।